तो कहानी शुरू होती है अफगानिस्तान से, जहाँ पर बहुत सारे दूसरी दूसरी कंट्री के लोग मिल करके बुद्ध जी के बारे में खोज कर रहे होते हैं। और यहीं पर हम देखते हैं डॉक्टर आर्यन को। यहाँ पर खुदाई करते करते उन्हें एक संदूक मिलता है जिसके अंदर काफी सारे ज्वेल्स रखे होते हैं। और ये बात जैसे ही तालिबान को पता चलती है, तुरंत ही वो लोग अटैक करने के लिए आ जाते हैं। अब आर्यन इस बॉक्स को छोड़ता नहीं है, वो अपने एक पाकिस्तानी फ्रेंड के साथ इस बॉक्स को लेकर के भागने लगता है। और ऐसे करते करते ये लोग गलती से मिट्टी की एक ऐसी सुरंग में गिर जाते हैं, जहाँ पर अंदर बुद्ध जी की बहुत बड़ी सी मूर्ति होती है, जो कि सोए हुए होते हैं। सॉरी आज बैकग्राउंड में पटाखों की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि अभी दिवाली चल रही है। एंड हैप्पी दिवाली। आगे मीडिया में सारी न्यूज़ को काफ़ी अच्छा कवरेज मिलता है और डॉक्टर आर्यन काफ़ी फेमस हो जाते हैं। इसके बाद जब इंटरव्यू चल रहा होता है, तब एक मीडिया का आदमी उससे एक क्वेश्चन पूछता है जो कि धर्म से रिलेटेड होता है। और यहाँ पर क्योंकि डॉक्टर आर्यन एक नास्तिक है, तो वो यहाँ पर ऐसा बोल देता है कि वो किसी भी धर्म जैसी चीज़ों को नहीं मानता है, और वो इस चीज़ को तो बिल्कुल भी नहीं मानता है जिसका उसके पास कोई भी प्रूफ ना हो। और यही सारी बातें न्यूज़ में छप जाती है और उसे बहुत गालियाँ पड़ती है। अब क्योंकि इस खजाने को ढूंढने में डॉक्टर आर्यन का भी हाथ होता है, तो इंडिया को 50% खजाना दे दिया जाता है और डॉक्टर आर्यन वापस दिल्ली आ जाता है। यहाँ पर वो दिल्ली में अपनी वाइफ के साथ में रहता है और उसका एक छोटा बेटा भी होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर तमिलनाडु को देखते हैं, जहाँ पर राम सेतु होता है। और यहाँ पर गवर्नमेंट राम सेतु को तोड़ना चाहती है, ताकि वो यहाँ पर अपने वाटर बिजनेस के लिए अपने सी के रास्ते को छोटा कर सके, ताकि उनके जो शिप्स हो वो इजीली आ जा सके। और इस पूरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है एक बहुत बड़ी कंपनी का ओनर। इस कंपनी के पास में एक बहुत बड़ी शिप होती है और इसीलिए वो इसमें इन्वेस्ट कर रहा होता है। और ये सारा प्लान उसी का होता है। वो अपने प्रॉफिट के लिए राम सेतु को तोड़ना चाहता है और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, पर नॉर्मल पब्लिक इस सब के अगेंस्ट होती है, क्योंकि उनके लिए राम सेतु उनकी आस्था से जुड़ा हुआ है। और इसी बात को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं। और अब यहाँ पर गवर्नमेंट ऐसा डिसाइड करती है कि वो लोग ये प्रूफ करेंगे कि राम सेतु नेचुरली बना है, वो बिल्कुल भी मैनमेड नहीं है, मतलब कि उसे प्रकृति ने बनाया है और वो किसी ह्यूमन द्वारा बनाया गया नहीं है। और इसके लिए वो डॉक्टर आर्यन को चूज करते हैं, क्योंकि डॉक्टर आर्यन एक नास्तिक है। अगर कोई आस्तिक इंसान को चूज करेंगे तो वो तो जरूर ये प्रूव करने में लग जाएगा कि राम सेतु को राम जी ने बनवाया था। अब आर्यन पहले तो इसके लिए मना करता है, पर अपने सीनियर के बोलने पर वो मान जाता है और एक रिपोर्ट तैयार करके दे देता है। इस रिपोर्ट में ऐसा दिया गया होता है कि जो भी रामायण और रामचरितमानस है, ये हिस्ट्री नहीं है। और ये बातें सुन करके बहुत सारी पब्लिक काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और गवर्नमेंट इस सब से पीछा छुड़ाने के लिए सारा इल्जाम डाल देती है आर्यन के ऊपर और उसे कुछ वक्त के लिए सस्पेंड कर देती है। पर इसके बाद वो इन्वेस्टर आर्यन को बुलाता है और उसे एक नया प्रोजेक्ट देता है। वो कहता है कि वो उसे सारी फैसिलिटीज देगा और उसे राम सेतु के ऊपर रिसर्च करनी है और ये प्रूव कर देना है सारे एविडेंस के साथ में कि राम सेतु नेचुरली बना हुआ है। आर्यन पहले तो इसके लिए मना करता है, पर जब ये देखता है कि लोगों के बीच में उसके लिए हेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग उसका मुंह काला करके जा रहे होते हैं, तो वो फाइनली मान जाता है। अब यहाँ से वो जाता है रामेश्वरम, जहाँ पर एक बहुत बड़ी शिप पे उसे काफी सारे हाईटेक डिवाइसेस दिए जाते हैं और एक बहुत बड़ी टीम दी जाती है। इसी टीम में दो लोग और होते हैं, गैब्रियल और सैंड्रा। और ये शिप इंडियन ओशियन में होता है और इस प्रोजेक्ट का जो मैनेजर होता है उसका नाम होता है प्रवीण। यहाँ पर उनकी टीम ने पहले से ही सोनार सिस्टम की हेल्प से एक 3D डिजाइन तैयार किया होता है कि पानी के अंदर दबा हुआ राम सेतु कैसा दिखता होगा। असल में क्योंकि ये सेतु काफी हजारों सालों पुराना है, तो पानी के काफी ज्यादा नीचे जा चुका है, मतलब कि पानी का लेवल बहुत ऊपर आ गया है। अब आर्यन यहाँ पर ये बताता है कि वाल्मीकि जी की रामायण में बहुत सारे ऐसे ग्रह नक्षत्र दिए हुए हैं जिनसे ये पता चलता है कि राम का जन्म कब हुआ था, और उसका टाइम निकाले तो वो 7,000 साल पुराना है। तो अगर वो लोग ये प्रूव करते कि राम सेतु 7,000 साल से भी पहले बना है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि उसे राम जी ने नहीं बनवाया, और यही इनका प्लान होता है। अब ये पूरा करने के लिए उन्हें कार्बन डेटिंग करनी पड़ेगी और उसके लिए उन्हें चाहिए कि राम सेतु का कोई हिस्सा उनके पास में हो। तो अब यहाँ पर आर्यन पानी के अंदर जाता है एक सूट को पहन करके और राम सेतु का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के आ जाता है। इस टुकड़े की कार्बन डेटिंग करी जाती है तो ये पता चलता है कि 18,000 साल पुराना है। पर अब यहाँ पर आर्यन ये बोलता है कि सिर्फ इतना छोटा सा प्रूफ काफी नहीं होगा, उन्हें एक प्रॉपर पत्थर लाना होगा, वो पत्थर जैसे कि जोड़ करके राम सेतु बना होगा। तो अब आर्यन दोबारा से अपनी टीम के साथ में पानी के अंदर जाता है, उसे एक पत्थर दिख भी जाता है, लेकिन ये पत्थर लंकन वाटर्स के एरिया में आता है तो वो यहाँ पर जा नहीं सकता। ये सारी बातें उसे प्रवीण बताता है, लेकिन वो प्रवीण की नहीं सुनता है और उस तरफ को जाने लगता है। प्रवीण मशीन को ऑफ कर देता है, पर इसके बाद भी वो सूट को उतार करके ऐसे ही चला जाता है और पत्थर को लेकर के वापस आ जाता है। अब वो लोग इस पत्थर के ऊपर स्टडी करने लगते हैं और ये पता चलता है कि पत्थर 7,000 साल पुराना है, तो मतलब कि पत्थर राम के पीरियड का है। पर इससे ये प्रूव हो रहा था कि राम जी की पूरी स्टोरी सच है और राम सेतु
उन्होंने बनवाया था, पर क्योंकि वो इन्वेस्टर ऐसा नहीं चाहता है तो अब वो इस रिपोर्ट को दबाना चाहता है। पर फिर भी वो सामने से आर्यन को ऐसा बोलता है कि तुम उसके ऊपर और काम करो, पर पीछे से वो आर्यन को मारने का प्लान बनाता है। तो अब आर्यन का प्लान होता है कि वो थोड़ी सी और रिसर्च करने के लिए पानी के अंदर जाएगा, जिसके लिए वो सबमरीन का यूज करता है। इस सबमरीन में उसके साथ में होती है गैब्रियल और सैंड्रा। ये तीनों यहाँ पर पानी के अंदर चले जाते हैं सबमरीन में, जहाँ पर सबमरीन पहले से ही खराब करके रखी गई होती है। गैब्रियल को यहाँ पर प्रवीण के ऊपर शक होता है, तो वो उस पत्थर को अपने बैग में रख करके लाई होती है। पानी के अंदर जाते ही मशीन खराब हो जाती है और प्रवीण को लगता है कि इन लोग की डेथ हो गई, लेकिन ये लोग जैसे तैसे कर करके पानी के ऊपर चले जाते हैं और वहाँ पर दूर से एक बोट आ रही होती है और उन्हें बोट से हेल्प मिलती है और फाइनली वो लोग बोट के ऊपर चढ़ जाते हैं। इस बोट के ओनर का नाम होता है एपी। इसका पूरा नाम बताया नहीं जाता, पर सभी लोग इसे एपी बोलते हैं। ये श्रीलंकन होता है और वो उन्हें बचा करके श्रीलंका के एक आइलैंड पे लेकर के जाता है। इस आइलैंड पे उसका काम होता है मछली पकड़ना और आराम से अपनी लाइफ को चिल करके जीना। जब उन्हें ये पता चलता है कि वो लोग यहाँ पर राम सेतु के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो पहले तो वो मना करता है, पर बाद में वो ये बोलता है कि वो उनका साथ देगा, लेकिन इसके बदले में वो पैसे चार्ज करेगा। साथ में एपी उन्हें ये भी बताता है कि वो जितनी भी फीस उन्हें चार्ज करेगा उस सब के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वो अपनी डायरी में लिखता रहेगा, और इस पूरे प्रोजेक्ट के एंड में उसे सारी फीस चाहिए। आर्यन इसके लिए मान जाता है और अब वो नेक्स्ट डे दोबारा से राम सेतु के अंदर जाने वाला होता है कि तभी वो ये देखता है कि दूसरी तरफ से प्रवीण दो बोट से उसका पीछा कर रहा है, क्योंकि प्रवीण को भी पता चल गया था कि आर्यन अभी तक जिंदा है, क्योंकि उसने आर्यन की सबमरीन को देख लिया होता है और वो पानी के ऊपर होती है। अब एपी यहाँ पर अपनी बोट को वापस भगाता है और वो लोग आइलैंड के अंदर जाकर के भागने लगते हैं। प्रवीण यहाँ पर आइलैंड में भी उनका पीछा करता है, लेकिन तभी यहाँ पर श्रीलंका की आर्मी चॉपर के साथ में आती है और उन्हें प्रोटेक्ट कर लेती है। ये टाइम वो था जब श्रीलंका में वॉर चल रही होती है, इसी की वजह से हर जगह पे आर्मी के ऑफिसर्स फैले होते हैं। अब आर्मी के सामने प्रवीण के छक्के छूट जाते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाता और ये लोग फाइनली बच जाते हैं। पर चॉपर के अंदर जाने के बाद भी आर्यन पागल हो गया था। वो दोबारा से बोलता है कि उसे दोबारा से राम सेतु के पास में जाना है, कि तभी वहां पर पीछे से प्रवीण एक बुलेट फायर करता है और वो सीधे लगती है गैब्रियल को, और गैब्रियल की वहीं पर डेथ हो जाती है। और इस झटके की वजह से थोड़ी देर के लिए आर्यन भी शांत हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में वो कॉल करके अपनी वाइफ से बात करता है, तब उसे ये पता चलता है कि दिल्ली में तो ऐसा बता दिया गया है कि उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है और राम सेतु 18,000 साल पुराना है और उसी के बेसिस पे एक हियरिंग और बची है और इसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आर्यन इस सारी चीजों को एंड करना चाहता है अपनी रिसर्च को कंप्लीट करके। यहाँ पर वो अपनी वाइफ को ये भी बताता है कि उनसे गलती से पत्थर खो गया है, अगर पत्थर मिल गया होता तो वो उससे प्रूफ कर सकते थे ये पत्थर राम जी के पीरियड का है। पर अब वो यहाँ पर रावण के एक मंदिर को देखता है और ये सोचता है कि रामायण रावण के बिना तो अधूरी है, तो अगर वो ये साबित कर दे कि रावण सच में था तो ये भी प्रूव हो जाएगा कि राम जी भी सच में थे और वो राम सेतु भी। तो अब वो यहाँ पर आज की श्रीलंका में पुरानी रावण की लंका को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जिसमें कि एपी उसकी हेल्प करेगा और सैंड्रा भी उसके साथ में होगी। और ये सब करने के लिए उनके पास सिर्फ 2 दिन है, क्योंकि 2 दिन बाद लास्ट हियरिंग हो जाएगी और अगर हियरिंग में कुछ भी प्रूव नहीं हुआ तो फिर राम सेतु तोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर पेपर्स में ऐसा प्रिंट हो जाता है कि वो दोनों वांटेड हैं, मतलब कि आर्यन और सैंड्रा। और इसी बात से कुछ लोग उनका पीछा करने लगते हैं, जिनसे कि बच करके भाग करके जैसे तैसे निकल जाते हैं। अब उन्हें एपी की हेल्प से एक ऐसा डॉक्यूमेंट मिलता है जो कि एक बहुत ही बूढ़े आदमी के पास में था, और ये डॉक्यूमेंट रावण से रिलेटेड होता है। ये एक मैन्युस्क्रिप्ट होती है जिसमें रावण की लंका का नक्शा होता है, मतलब कि प्रॉपर नक्शा तो नहीं होता है पर कुछ ऐसे सिंबल्स बने होते हैं जिन्हें कि फॉलो करके वो लोग लंका तक पहुंच सकते हैं। इसमें अशोक वाटिका, एक क्रोकोडाइल और रावण फॉल्स जैसी चीजों के सिंबल्स बने होते हैं, तो वो लोग इन्हीं को फॉलो करते हुए अशोक वाटिका की तरफ को जा रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर आर्यन बीच में ये सोचता है कि उन्हें रावण फॉल की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि उसमें क्रोकोडाइल की भी फोटो बनी हुई है और जहाँ पर पानी होगा वहां पर मगरमच्छ तो मिल जाएगा। तो वो लोग रावण फॉल में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें बोट में बैठे बैठे मगरमच्छ भी दिख जाता है। मगरमच्छ का पीछा करते करते वो लोग एक ऐसी चट्टान के पास में पहुंच जाते हैं जिसकी पानी में परछाई बिल्कुल क्रोकोडाइल से मैच करती है, और इसके बाद वो तीनों ही पानी के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर क्रोकोडाइल का पीछा करते करते फाइनली उन्हें एक टनल मिल जाती है। अब इस रास्ते से आगे जाते हुए उन्हें 3 टनल मिलती हैं। कौन सी टनल में जाना है ये डिसाइड करने के लिए आर्यन ऊपर देखता है। ऊपर यहाँ पर छत पे काफी सारी चीजें लिखी होती है, जिसे डीकोड करके उसे ये समझ में आता है कि इन लिखे हुए वर्ड्स को फॉलो करते हुए उसे गुफा की तरफ को जाना है, और ऐसे वो एक गुफा को चूज कर लेता है और उसके अंदर जा करके उन्हें 3 रास्ते मिल जाते हैं, पर इनमें से एक रास्ता बंद होता है, सील्ड होता है, और ये सील्ड रास्ता ही रावण की लंका की तरफ को जाता है। पहले तो आर्यन ये बोलता है कि रास्ते को तोड़ देते हैं,
पर फिर उसे समझ में आता है कि वो लोग सिर्फ तीन हैं और वो पत्थर की बनी है। तो अब वो डिसाइड करता है कि वो दूसरी वाली गुफा से उस रास्ते की तरफ जाएगा जहाँ पर खड़े होने से उन्हें लंका दिख सके। इस गुफा से निकल करके वो एक पहाड़ी के ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें सामने से एक ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा होता है। और आर्यन का मानना होता है कि वहीं पर ही लंका है और वो लोग उसी पहाड़ की तरफ को जाने लगते हैं। और इस माउंटेन का नाम होता है त्रिकुट माउंटेन। इसी पहाड़ की चोटी पर जाने पर उन्हें वहां पर संजीवनी बूटी वाले फ्लावर्स भी मिल जाते हैं। तो मतलब कि संजीवनी बूटी असली थी, तो इसका मतलब ये है कि रामायण की पूरी स्टोरी भी असली है। और तभी वहां पर प्रवीण आ जाता है। वो चौपर से आया होता है और उसके पास आर्यन की वाइफ होती है क्योंकि वो शुरू से ही आर्यन का पीछा कर रहा होता है। और उसके पास वो मैन्युस्क्रिप्ट भी होता है जिसके ऊपर ये लिखा होता है कि रावण की लंका कहाँ पर है। आर्यन की खोज यहीं पर ही रुक जाती है और एपी रावण और आर्यन को ना चाहते हुए भी चौपर के अंदर बैठना पड़ता है। अब प्रवीण यहाँ पर आर्यन से वो पत्थर मांगता है जो कि पानी के ऊपर फ्लोट कर सकता है। आर्यन के पास में पत्थर नहीं होता है तो वो मना कर देता है, पर इस बात पे गुस्से में आकर के प्रवीण एपी को धक्का दे देता है और एपी चौपर से नीचे गिर जाता है। एपी के पास में एक बैग होता है और वो बैग चौपर में रह जाता है। इसके बाद यहाँ पर आर्यन को गुस्सा आ जाता है और उनकी आपस में फाइट शुरू हो जाती है और ये फाइट करते करते गलती से चौपर क्रैश हो जाता है। यहाँ पर आर्यन वाइफ और सैंड्रा तो बच जाते हैं लेकिन सारे प्रूफ और प्रवीण अभी भी चौपर के अंदर होता है। तो आर्यन यहाँ पर प्रूफ लेने के लिए चौपर के अंदर जाता है और प्रवीण को बचा करके लेके आता है। साथ में उसके पास में एपी का बैग भी होता है और वो रावण का मैन्युस्क्रिप्ट भी होता है। इसके बाद यहाँ पर प्रवीण उनकी हेल्प करता है और एक दिन में वो लोग जैसे तैसे करके कोर्ट तक पहुंच जाता है। आज कोर्ट की हियरिंग होनी होती है और यहाँ पर जाकर के आर्यन सारे एविडेंस को दिखाता है और एक काफी अच्छी स्पीच देता है। और अब यहाँ पर अपने सामने पानी में तैरता हुआ पत्थर देख करके सबको समझ में आ जाता है और राम सेतु को तोड़ने वाला पूरा प्रोजेक्ट रुक जाता है। और फाइनली सबकी लाइफ नॉर्मल हो जाती है और आर्यन ऐसे बैठा होता है कि तभी अचानक से वो अपने बेटे की कॉमिक को देखता है और उसे याद आता है कि हनुमान जी को बोलते हैं अंजनी पुत्र और एपी ने उनकी कई बार ऐसे हेल्प करी थी कि वो भी शायद हनुमान हो सकता है क्योंकि उसका नाम भी एपी था। साथ में उसने एक ऐसी जंप भी लगाई थी जो कि काफी ज्यादा मुश्किल थी। इसके बाद वो एपी के बैग को चेक करता है, अंदर उसे एक डायरी मिलती है जहां पर उसे वो सारी फीस लिखनी थी जो कि उसे चाहिए थी, पर इसके अंदर सिर्फ जय श्री राम लिखा होता है। तो मतलब कि पूरे रास्ते जो उनकी हेल्प कर रहा था वो खुद हनुमान थे। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी का नाम है राम सेतु जो कि 2022 में रिलीज हुई है। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।